अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, और चूँकि हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट और कंटिन्यू है और आज हम देखने जा रहे हैं फिफ्थ लेक्चर, और फिफ्थ लेक्चर के अंदर हम कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट और पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं उनका क्या किरदार रहा। क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि साइंस क्या होती है और साइंस को मतलब हम उस नॉलेज को कब साइंस कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख ली, फिजिक्स देख ली, उसकी ब्रांचेस देख ली और उसके अलावा हम उसकी इम्पोर्टेंस भी देख ली। मगर ये सारे जो हमें इतना हम आगे तक हमें सब कुछ बोलते ना पका पकाया मिल गया सब, तो वो मिल गया, मगर उस पकाने में उन चीज़ों को वर्कआउट करने में किन लोगों का किरदार था, उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी, उन्होंने क्या ऐसा काम कर दिया, तो आज हम वही देखने जा रहे हैं कि कौन कौन वो लोग थे तो बहुत सारे, मगर जिन्होंने बहुत रिमार्केबल वर्क किया इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स वो आज हम उनको देखेंगे। और उनमें से पहले जो साइंटिस्ट हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और वो हैं अबू अली हसन इब्नुल हैतम। वैसे नाम छोटा सा इतना बड़ा लेने में है, इब्नुल हैतम मशहूर हैं बहुत, तो इब्नुल हैतम का पूरा नाम अबू अली हसन इब्नुल हैतम, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखिए और ये कहाँ पे इनकी बर्थ हुई, ये बॉर्न इन बसरा, इराक के रिनोन सिटी है, इराक का एक माना हुआ सिटी है। पहले पुराने वक्त में जो ये कंट्रीज हैं इराक वगैरह, ये एक बहुत जाने माने कहलाते थे नॉलेज के हिसाब से, मतलब बहुत नॉलेज वो करते थे, यहाँ के लोगों के पास बहुत, मतलब दूसरे कंट्रीज के लोग बाकायदा यहाँ पढ़ने आते थे। जैसे अब का वक्त क्या हो चुका है कि हर बंदा क्या चाहता है कि बाहर पढ़ने जाए, यूरोप जाए, अमेरिका जाए, तो बिल्कुल पुराने वक्त में इन वक्तों में क्या हुआ करता था, ये जो इराक हो गया, ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं यहाँ पे इतनी नॉलेज हुआ करती थी, इतना साइंस की कि साइंटिस्ट लोग या जो स्टूडेंट्स थे वो यहाँ आने की ख्वाहिश रखते थे यूरोपियंस का फायदा। तो बिल्कुल उस वक्त के मतलब जो इराक हो गया, ये बगदाद इराक की जो सिटी, ये सब बहुत एक जाने माने कहलाते थे नॉलेज के हिसाब से, और बाकायदा बाहर से लोग, यूरोप के लोग इवन ये कंट्रीज के ये लोग पढ़ने आते थे यहाँ पे, और नॉलेज के लिए अपनी प्यास बुझाने आते थे, नॉलेज की प्यास, मतलब इस कदर नॉलेज हुआ करता था यहाँ के लोग। तो ये भी बसरा में पैदा हुए, एक रिनोन सिटी है, ये तो उसी सिटी के अंदर पैदा हुआ है जहाँ पे एक नॉलेज का एक पहाड़ है, तो बॉर्न इन बसरा अ रिनोन सिटी ऑफ इराक। और इनका क्या फील्ड ऑफ वर्क था, इन्होंने फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन में, ये तमाम फील्ड हैं, इस एक बंदे ने इन सारी फील्ड्स पे वर्क किया, और जिसमें आपको फिजिक्स के बारे में पता है, मैथमेटिक्स के बारे में पता है, इंजीनियरिंग एक फील्ड है पूरी इसके बारे में, एस्ट्रोनॉमी ये भी आपको पता होगा कि स्टार्स और प्लैनेट्स इन सब की स्टडी, बाकी मेडिसिन मेडिकल फील्ड में भी इन्होंने वर्कआउट किया। मोस्ट रिमार्केबल वर्क इनका क्या है, इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया जिसकी वजह से इनका नाम चल रहा है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, तो वो देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले तो वर्कआउट किया लाइट के ऊपर, ये लाइट की नेचर क्या है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी स्टूडेंट्स जो आपको थोड़ा बहुत मुश्किल आएगा, क्योंकि हम वो इन डीप पूरे चैप्टर्स बाद में देखेंगे, जब आप देखोगे तो आपको वो सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी, मगर अभी कुछ चीजें आपको करेंगी कुछ मुसीबत, मगर ये कि इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा। तो उन्होंने मोस्ट जो वर्क उनका रिमार्केबल वर्क है वो क्या है, उन्होंने ऑप्टिक्स पे काम किया। ऑप्टिक्स मतलब ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें लाइट की स्टडी की, लाइट की नेचर के बारे में, और उसी के लाइट के लिए ही उन्होंने एक फेमस बुक है इनकी किताबुल मनाज़िर। इसके अलावा इन्होंने पिन होल कैमरा, फर्स्ट कैमरा जो है वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, जिसको आप पिन होल कैमरा, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है वो सब है हमारी टेक्स्ट बुक में, और हमने सब पढ़ना है वो सारी चीजें आगे जाके, पिन होल कैमरा कैसे वर्क, इसकी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है। और उन्होंने पिन होल कैमरा की मदद से उन्होंने इमेज ऑफ सन इक्लिप्स की, जो सन इक्लिप्स होता है उसकी इमेज भी निकाली उसी कैमरे के थ्रू, पिन होल कैमरा। और वो सन इक्लिप्स क्या होता है बच्चों, वही जब सन और अर्थ के अराउंड, जब सन और अर्थ के दरमियान में मून आ जाए,
तो जो सन है वो हमें गिरन जिसको बोलते हैं आम जबान में, तो सन एक्लिप्स कहते हैं उसको। लास्ट उनका देखते हैं, इन्होंने जब लाइट के बारे में कहा तो लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉज भी दिए, ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम देखेंगे। एंड ऑल्सो वर्क ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर, ये मिरर्स क्या है और किस टाइप के मिरर्स होते हैं और उनके लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, इसके लिए आपने परेशानी हो। तो ये पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्कआउट किया। अब हम सेकेंड साइंटिस्ट देखते हैं, सेकेंड साइंटिस्ट हमारे पास स्टूडेंट अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी, जो शॉर्ट इनका जो नेम है मशहूर वो है अल बैरूनी, और पूरा नाम मोहम्मद अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी, ये पूरा नाम इनका और आप इनको अल बैरूनी के नाम से शॉर्ट ही जानोगे। इनकी डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट और ये कहाँ पर पैदा हुए, ये बैरून नाम के अफगानिस्तान के जो सिटी है उसमें पैदा हुए, और कब पैदा हुए 973 AD को, और इनकी डेथ जो है वो 1048 AD में हुई। बाकी इनका फील्ड ओवर अगर देखा जाए उनका क्या किस फील्ड क्या फील्ड थी उनकी किस में वर्कआउट किया इन्होंने, तो फिजिक्स मैथमेटिक्स कॉस्मोलॉजी, ये क्या स्टूडेंट आपने ये तो सुना होगा, कॉस्मोलॉजी स्टडी अबाउट यूनिवर्स, हाउ यूनिवर्स इज मेड, बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है ये। बाकी जियोलॉजी जियोग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी स्टडी अबाउट अर्थ है, हिस्ट्री हो गई, बाकी जियोलॉजी हो गई ये भी अर्थ की स्टडी है मगर इनसाइड द अर्थ व्हाट इज हैपनिंग इसमें हम स्टडी करते हैं। बाकी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और भी इनकी फील्ड ऑफ वर्क है मगर ये मोस्ट जो जो कॉमन है वो ये हैं। बाकी रिमार्केबल वर्क के अंदर इन्होंने मोर देन 100 बुक्स लिखी, जिसके अंदर 50 बुक्स तो तकरीबन इन्होंने साइंस पे लिख दी सारी, तो ये हल्की बात नहीं है कि 100 से ज़्यादा बुक्स इन्होंने लिखी जिसमें से 50 बुक्स आर ऑन साइंस। बाकी जो इनकी जो फेमस बुक है वो है किताबुल कानून अल मसूदी के नाम से, ये सारे स्टूडेंट्स ये सब एमसीक्यूज में आपके काम आएगा, तो इन्होंने फेमस बुक जो है इनकी किताबुल कानून अल मसूदी है जो कि किस पे है, एस्ट्रोनॉमी में। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है ये भी बुक को ही बोलते हैं, और मगर ये है कि किस पे इन्होंने कौन सी बुक है ये किस चीज़ की बुक है ये, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी मतलब वही स्टार्स प्लैनेट्स की स्टडी है, मतलब किताबुल कानून अल मसूदी के अंदर आपको किसकी नॉलेज मिलेगी सारे एस्ट्रोनॉमी की। बाकी ही प्रैक्टिकली प्रूफ दैट अर्थ इज राउंड नॉट फ्लैट, पहले कॉन्सेप्ट ये लिया जाता था कि अर्थ बिल्कुल फ्लैट है मगर जो अल बैरूनी आए इन्होंने अपने प्रैक्टिकली प्रूफ दिया कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है बल्कि राउंड है, और उन्होंने इवन उसका सर्कमफेरेंस भी कैलकुलेट करके दिया। सर्कमफेरेंस क्या होता है बच्चों, ये एक लेंथ है, लेंथ का नाम है, मतलब एक लेंथ को जैसे मेजर करते हैं इतना मीटर की ये लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, तो सर्कमफेरेंस जो है सर्किल की टोटल लेंथ को सर्कमफेरेंस बोलते हैं, कोई भी चीज़ गोल होती है उसकी लेंथ को आप टोटल आपने एक जगह से मेजर करना शुरू किया और दोबारा वहाँ तक पहुँचे तो ये पूरी लेंथ इसकी सर्कमफेरेंस कहलाएगी। तो इन्होंने प्रैक्टिकली प्रूफ किया कि अर्थ इज राउंड, और उसका इवन इन्होंने कैलकुलेशन बेसिस पे सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ भी कैलकुलेट करके दिया। और इसका इनका जो थर्ड जो वैसे तो बहुत सारे रिमार्केबल वर्क हैं और जो थर्ड है वो ही वाज फाउंड डेंसिटीज ऑफ वेरियस मेटल्स, इन्होंने डिफरेंट मेटल्स की डेंसिटीज जो हैं वो इन्होंने मेजर की। बाकी ये कि तीन इनके ये रिमार्केबल वर्क पर हम फर्दर इसमें जो इनके और बहुत सारे मगर हम नेक्स्ट साइंटिस्ट को देखने जा रहे हैं, थर्ड साइंटिस्ट जो हैं वो हमारे कौन से उन्होंने क्या रिमार्केबल वर्क किया।